हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ़ 1.5 इज़ शोन बाय ऑप्शन ए O2 ऑप्शन बी O2 पॉजिटिव ऑप्शन सी O2 नेगेटिव ऑप्शन दी O2 टू नेगेटिव सो द की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इज़ बॉन्ड ऑर्डर देखो अगर हमें क्या करना होता है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होता है तो so, उसका फॉर्मूला क्या होता है वन बाई टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए वो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ठीक है एंड एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है सो देखो हम क्या करेंगे हमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 बताना है मतलब इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है ठीक है सो so, तो हम क्या करते हैं हम O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ठीक है वी हैव O2 सबसे पहले O2 का क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू फाइंड इट्स बॉन्ड ऑर्डर सो देखो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एट यहाँ पे दो है तो कितने जाएंगे सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जाएगी सिग्मा 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 फिर हमारा क्या आएगा sigma 2p z2 then we will have pi 2px2 and इसकी एनर्जी किसके कोल होगी टू पी ठीक है टू आ जाता है एंड फिर आएगा हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग ठीक है ये हो जाएगा हमारा टू पी एक्स इसकी एनर्जी किसके को जाएगी पाए स्टार टू पी वाई ठीक है अब देखो दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा फाइन सो so, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2, अब यहाँ पे देखते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने ओके okay? ये आ जाता है so अब हम फाइंड करते हैं ओ टू नेगेटिव ठीक है ओ टू नेगेटिव में कितने देखो ओ टू है सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ठीक है थीके? प्लस माइनस वन ठीक है माइनस वन है यहाँ पे चार्ज तो कितना हो जाएगा प्लस वन इलेक्ट्रॉन ठीक है तो कितने हो जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमारे हो जाते हैं सेवेंटीन इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू टू एस टू देन वी विल हैव सिग्मा स्टार टू एस टू देन वी विल हैव सिग्मा 2p पी जेड टू विल हैव पाए टू पी एक्स टू एंड इसकी एनर्जी किसकी इक्वल है pi टू पी पाई टू यहाँ यहाँ आ जाते हैं दो दो ठीक है and then we will have pi star टू पी एक्स टू एंड इसकी एनर्जी किसके इक्वल है पाए एंटीबॉन्डिंग ठीक है स्टार टू पी वाई वन ठीक है अब इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू वन बाई टू ठीक है देखो यहाँ पे कितने हमारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पे टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू टेन ठीक है टेन एंड माइनस रिमेनिंग कितने हो जाएंगे हमारे बॉन्डिंग तो ये कितना हो जाता है टेन माइनस सेवन इज थ्री थ्री डिवाइड बाई टू इज वन पॉइंट फाइव ओके सो अब हमारा क्या है अब हमारा है ओ टू पॉजिटिव ठीक है इसमें कितने है ओ टू में सिक्सटीन हो जाते हैं सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन एंड प्लस वन ठीक है प्लस वन चार्ज है तो कितना हो जाएगा माइनस वन इलेक्ट्रॉन ठीक है तो कितने हो जाते हैं ये हो जाते हैं हमारे फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन ठीक है सो so यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा हमारा sigma 1 s two sigma star 1 s two then we will have sigma two s two then we will have sigma star two s two then we will have sigma 2 p z 2 and pi 2 p x 2 equal to pi 2 p y 2. देन हमारा आएगा पाए एंटीबॉन्डिंग ठीक है पाए स्टार हो जाएगा टू पी एक्स एक यहाँ जाएगा एन इसकी एनर्जी किसके इक्वल है पाए टू पी पाए स्टार टू पी वाई ठीक है अब देखो अब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू वन बाय टू यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने टेन एंड so एंटीबॉन्डिंग तो कितने फाइव सो ही जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टू नेगेटिव ठीक है इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें हमारे हो जाएंगे सिक्सटीन प्लस टू यानी कि एटीन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी सिगमा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस टू सिगमा टू एस टू देन वी विल हैव स्टार

O2 negative. Hope you understood the question. Best of luck.